सीबीआई हाई ड्रामा रे क्लाइमैक्स सुप्रीम कोर्ट को निष्पत्ति केंद्र सरकार को सामयिक आश्वस्ति देथिबा बळे जोरदार होईछि कांग्रेस रो गर्जन। निर्देशक आलोक वर्मा और स्वतंत्र निर्देशक राकेश अस्थानांक विरोध रे आसीथिबा दुर्नीति अभियोग रो तदंत करिवे सीभीसी। सुप्रीम कोर्ट रो अवसरप्राप्त विचारपति एके पटनायकक तत्वावधान रे हेबो तदंत। सेपटे सीबीआई रो मध्यवर्तीकालीन निर्देशक एम नागेश्वर राव कोनोसी नीतिगत निष्पत्ति नै पारिबे नाही बोली स्पष्ट निर्देश देछंति सर्वोच्च कोर्ट। सीबीआई हाइड्रामा रे क्लाइमैक्स निर्देशक आलोक वर्मा एवं स्वतंत्र निर्देशक राकेश अस्थाना विरोध में आसीथिबा दुर्नीति अभियोगर तदंत हेबो। पंदर दिन भितर तदंत सारी रिपोर्ट देबा लागि सीभीसी को निर्देश देछंती सुप्रीम कोर्ट। तबे सुप्रीम कोर्टर अवसरप्राप्त विचारपति एके पटनायक तत्वावधान रे एही तदंत चालू रहिबो। सुप्रीम कोर्टर प्रधान विचारपति जस्टिस रंजन गोगोई को अध्यक्षतार गठित खंडपीठ एही निष्पत्ति सुनाइछन्। और सुनवाई के बाद ये आदेश दिया है कि जो सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा के खिलाफ जो सीवीसी ने इंक्वायरी करी है वो दो हफ्ते के अंदर खत्म करी जाए और उसको सुपरवाइज एक रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एके पटनायक करेंगे। दो हफ्ते के अंदर उसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को पेश करनी है। सीबीआई निर्देशक आलोक वर्मा एवं स्वतंत्र निर्देशक राकेश अस्थाना मध्य अंतर्द्वंद लागि रहितबा बेले उभय परस्पर विरोध में दुर्नीति अभियोग आनिथिले जहाँ को आधार कर केन्द्र सरकार एक दुई वरिष्ठ अधिकारी को बाध्यतामूलक छुट्टी में पठाई देते अन्य 13 जन अधिकारी को बदली कर देते। केन्द्र में राति अध्याय निष्पत्ति विरोध में आलोक वर्मा सुप्रीम कोर्ट जाते जार विचार कर सेंट्रल विजिलेंस कमिशन को तदंत भार दायित्व देते सुप्रीम कोर्ट। एथसहित अंतरण निर्देशक दायित्व अधिकारी एम नागेश्वर राव कौन नीतिगत निष्पत्ति नहीं पारे ना कि हम लोग इस प्रकरण की जल्दी से जल्दी जांच करके और अपनी इंक्वायरी करके और उसके कंक्लूजन सामने लेके आएंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने भी वही डायरेक्शन दिया कमोवेश कि दो हफ्ते में जितने भी एलिगेशंस काउंटर एलिगेशंस हैं उनकी जांच करके उसको कोर्ट के सामने लाया जाए। तो दो हफ्ते में मुझे लगता है कि सीबीसी जो है इसकी पूरी जाँच करके और सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट फाइल करेगी। सेपटे एही मौकरे सीधा सरकार को निशाना साधिछि कांग्रेस। देश सारा करिछि हुलस्तुल। कांग्रेस समेत किछि विरोधी दल सीबीआई अफिस आगे विक्षोभ प्रदर्शन करिछन्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधासळख टार्गेट करिछन्ति कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी। एथसहित दिल्लीर लोधी रोड थाना जेल बरण करिछन्ति। विभिन्न राज्य में सीबीआई अफिस आगे कांग्रेस विक्षोभ प्रदर्शन करिछि। ओडिशार मध्य यार प्रभाव देखिबा को मिलिछि। आम देश आईन प्रस्तुत होगी पार्लियामेंट रे पास हो प्रधानमंत्री मुख्य विचारपति सुप्रीम कोर्ट रो अपोजिशन लीडर एवं जड़े जज ये निजुक्ति देबे सीबीआई डायरेक्टर को सी निजुक्ति देबे बदली आवश्यक पड़े सीए कर ये किमी रात आधार करदे हिंदुस्तान के हर इंस्टीट्यूशन पर नरेंद्र मोदी आक्रमण कर रहा है और इस आक्रमण का सिर्फ एक कारण है नरेंद्र मोदी। I have fixed a time limit that this must be over within 2 weeks, which is a positive development. And in order to ensure that the highest standards of fairness are maintained, even in the inquiries, they have appointed a retired judge as an oversight judge to ensure that the CVC inquiry is absolutely fair. It's only an inquiry which maintains the highest standards of fairness which will ensure that the truth comes out. 15 din bhitare tadant sari supreme court ko report debe CVC. यह भितर मामला थंडा पड़ू कि अधिक जटिल होता रही नजर। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 7।